कोरोना महामारी के बीच दिल्ली की मरकज जमात में शामिल होकर झुंझुनू जिले की खेतड़ी में 9 जमाती पहुंचे। चिकित्सा विभाग ने 9 लोगों को पचेरी में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया है। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरीश यादव ने इस पर बताया कि खेतड़ी कस्बे के 3 वार्ड 2, 4 और 5 के 9 लोग दिल्ली में जमात में शामिल होने गए थे। इनकी वापसी की सूचना पर चिकित्सा विभाग ने उनकी जांच कर सूची तैयार की है। चिकित्सा विभाग के RRT और RBSK अजीत अस्पताल की टीम ने सर्वे कर उन्हें चिन्हित किया। अब इन्हें पचेरी के सिंघानिया विश्वविद्यालय में बनाए गए अन्य मरीजों से अलग रखकर आइसोलेशन वार्ड में भर्ती भी करा दिया गया है। जब चिकित्सा विभाग के उच्च अधिकारियों ने सूची भेजी तो प्रशासनिक और चिकित्सा विभाग हरकत में आया और इनकी तलाशी की गई। विदेश से आए हुए और मरकज जवाब से लौटे हुए लोगों की जानकारी जुटाई गई और साथ ही में चिकित्सा परामर्श भी दिया गया। ये लोग दिल्ली की जमात में शामिल होने के बाद 21 मार्च को खेतड़ी लौटे। चिकित्सा विभाग की टीमों ने तीनों वार्डों में रहने वाले लोगों की जांच की और इनके परिवार वालों को होम आइसोलेशन में रहने के निर्देश दिए हैं। पूछताछ में ये भी सामने आया कि सभी लोग दिल्ली से आने के बाद खुलेआम बाजार में भी घूम रहे थे। उनके द्वारा सूचना मिली थी खेतड़ी के वार्ड नंबर 5 में और वार्ड नंबर 4 में 8 जमात छाए हुए लोगों की सूचना मिली थी, जिस पर चिकित्सा विभाग ने उनके सर्च करके और सभी लोगों को सिंघानिया के क्वारंटाइन वार्ड में भेज दिया गया है, जो यहाँ से मंडावा से दौसा और दौसा से होते हुए दिल्ली जमात अटेंड करके और वापस लौटे थे, इसलिए सभी को सिंघानिया क्वारंटाइन वार्ड में रख के निगरानी में रखा गया है।